आज जब पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर आती हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम करती हैं, वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को घेरने का काम करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब तक धारा 370 की जो समाप्ति इन्होंने की है वो तो मुझे कहीं ना कहीं मलाल है, लेकिन जब तक वो धारा वापस नहीं आएगी मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी। उन्हीं की पार्टी में एक विधायक थे तांत्रे साहब, लेकिन आज अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या कारण रहे हैं और क्यों महबूबा मुफ्ती की पूरी तरह से अध्यक्षता जो है उनको पसंद नहीं है और अल्ताफ बुखारी साहब के खेमे में आकर यहाँ पर आए हैं, तमाम इनके समर्थक भी हैं। तांत्रे साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, पीडीपी सच में बदल गई है मुफ्ती साहब के जाने के बाद या वजह कुछ और थी आप यहाँ पर आए? जी, ये मुफ्ती साहब का जाना ही ये सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब गड़बड़ हो गया। देखिए, आप ये जानती हैं कि 2015 में मुफ्ती साहब ने और मोदी साहब ने एजेंडा अलायंस साइन किया था। वो हमारी इस रियासत का बड़ा खुशकिस्मत तरीन लम्हा था जब ये मोदी जी भी चाहते थे कि इसको डेवलप किया जाए और उनको उनकी जो मुफ्ती साहब थे उनकी उन क़यादत पे उनको पूरा भरोसा था। तो एजेंडा ऑफ अलायंस में ये कहा गया था कि डेवलपमेंट ही हमारा सारा जो इशू इसी पे मरकूज़ करेंगे, नो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ जो है उनको हम साइलेंट पे रखेंगे। तो उसमें ये हमारी बदकिस्मती थी कि मुफ्ती साहब का जल्दी चले जाना इस दुनिया से, वो बदकिस्मती रही। और अगर आप समझें पीडीपी का बिखराव, तो ये हसीब द्राबू साहब को बगैर किसी वजह बड़ी वजह के निकाल देना, वहाँ से इसका बिखराव शुरू हुआ। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त आप मुझसे ये पूछ सकती हैं कि अगर अपनी पार्टी में हम शामिल हुए हैं, मैं जब 2020 जनवरी में हमारे पीडीपी के 7 लेजिस्लेटर्स को इस पादाश में निकाल दिया गया था कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से मिले, तो उस वक्त आई वाज वर्किंग एज स्टेट सेक्रेटरी ऑफ पीडीपी। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि ये कोई ये इलीगली हुआ है, चूँकि अगर कोई सर्कमस्टांसिस गलत कर रहा है पार्टी के खिलाफ उसमें आप उनको शो का नोट सर्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो उनको आप क्यों मिले थे मुर्मू साहब से? क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। दिस इज अ नेचुरल थिंग कि अगर आप मुर्मू साहब से नहीं मिलेंगे तो फिर किससे मिलेंगे? आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? वो तो हमारी रियासत का एक हिस्सा है। तो उस वक्त मिले तो मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया था और मैंने कहा था 10 दिन में ये आप वापस ले लें। तो जब उन्होंने नहीं वापस लिया वो, तो मैंने एज प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर दिया था। मैं 19 महीने घर में बैठा रहा। मुझे ये लगता है कि मेरे साथ अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में हमने काम किया है। वैन ही वॉज PWD मिनिस्टर, वो पहला दौर था जब 300 किलोमीटर मैग्नमाइज इनकी सुपरवीन में पुरुष में किया गया, सड़कों की बुरी हालत थी, तो ये उनकी क़यादत थी। और उसके बाद भी जब उन्होंने काम किया, मैंने पहले ही आपको कहा है कि वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, वही इस वक्त इस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसे कायद हैं जो एक पुल का काम कर सकते हैं मरकज़ और आवाम के दरमियान, और यहाँ पे हमारी तरक्की मुमकिन हो सकती है। लेकिन बुखारी साहब तो एक ऐसे नेता भी रहे हैं कि चाहे मैं वो मुफ्ती की बात करूँ, उमर अब्दुल्ला की बात करूँ, कांग्रेस के नेताओं की बात करूँ, जब जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार नहीं थी, जब पूरी तरह से ये गठबंधन टूट चुका था, सपोर्ट वापस खींच ली गई थी, तब इन तीन पार्टियों ने कहा था कि बुखारी साहब हमारी पहली पसंद है मुख्यमंत्री के लिए। वहीं आज भाजपा ये कह रही है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। क्या लगता है कि बुखारी साहब के खेमे में ज़्यादा वोट होंगे या भाजपा का मुख्यमंत्री? मैं ये डिपेंड्स अपॉन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, हुसोएवर इज इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर, डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी को भी, बीजेपी की जम्मू की क्यादत है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी बुखारी साहब की। बुखारी साहब से अभी आपने खुद कहा कि वैन कोलिशन वॉज गोइंग टू बी फ्रेम्ड कंसिस्टिंग ऑफ कांग्रेस NCPDP, तो यूनानी मसली आज़ाद साहब, उमर साहब, फारूक साहब, महबूबा जी कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर में एक ही शख्सियत हैं जो गैर मुतनाज़ा हैं, हरदिल अजीज़ हैं, ईमानदार हैं, और वही इसको चला सकते हैं, लीड करेंगे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनको उन्होंने लिख कर दे दिया था। तो फिर ये तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। अल्ताफ बुखारी साहब ही इस जम्मू कश्मीर के हर खिते को पूरा पूरा इंसाफ दे सकते हैं। 50+ का आंकड़ा लगता है भाजपा छू पाएगी, क्योंकि वो तो किसी और को अपने सामने देख ही नहीं रही है। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि ये आवाम तक है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये बीजेपी वाले बेहतर जानते होंगे। चुनाव होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि आप पुंछ से ताल्लुक रखते हैं, तो आप किस तरह से प्रचार करेंगे इस पार्टी के लिए, किसको मजबूती दे सकेंगे? मैं आवाम तक यही बात पहुँचाऊँगा। आवाम मेरी खिदमत का तर्ज देख चुकी है, आवाम को मैंने पुरखलूस और बेलोस खिदमत दी है, आवाम के हर फर्द बशर मेरी काम करने के तरीक़ों को जानता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी 2014 में की थी, क्योंकि आवाम मेरे काम के तरीक़ों को जानती है। मैंने इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन काम किया है, उसके पूरे पुंछ में आप जाकर पता कर सकती हैं, तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं। मैं कहता हूँ पुंछ में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर फर्द बशर को हमने ये पैगाम देना है
कि अगर 2018 में आज़ाद साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ये एतमाद करते हैं कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ही यहाँ पर गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं, तो मैं मुझे लगता है कि उनको भी इस बार भी रियासत की भलाई और बेहतरी के लिए अल्ताफ़ बुखारी साहब को ही तावन देना चाहिए, उन्हीं को अगर आगे करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जब तक धारा 370 वापस नहीं आएगा मैं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। लगता है कि लोकतंत्र से पीछे हट रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। 370 और 35 से की बात, ये सब जुडिस एक इशू है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वहाँ से चूँकि हमारा सबसे बड़ा वो जस्टिस का वो सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब बात है हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा वहाँ से क्या फैसला आता है। मैं उसमें लगता है कि अगर इसी तरह से बायकॉट करती रही तो टूट तो गई है पीडीपी लेकिन हार भी जाएगी। मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी को हमने छोड़ दिया तो मैं उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, आवाम खुद सब कुछ देख रही है और आगे आने वाला वक्त खुद बताएगा कि सच्चाई कहाँ पे थी और झूठ कहाँ पे था। ये जो आवाम को लेकर चलना ही हमारा मकसद है, हर कॉर्नर को अपलिफ्ट करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इम्बेलेंस ना हो किसी जोन के साथ, किसी तबके के साथ, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो जो क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ अल्ताफ़ बुखारी साहब के पास, बुखारी साहब के पास। और एक अच्छे सियासतदान की पहचान यही है कि जिसका दामन छोड़ा है उसके लिए भी कुछ बुरा नहीं कहूँगा और जिसका थामा है वो कारण ज़रूर बताऊँगा कि क्या क्या अच्छाई जो है यहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम है वो पूर्ण हो रहा है, लगातार रफ्तार बढ़ रही है, आगे चुनाव है, देखते हैं तांत्रे साहब कैसे अपनी पार्टी को मजबूती देते हैं। आप ही हमारे बने, देखते थे न्यूज़ 9 चौबीस वाहन की रिपोर्ट।